देवास के सोनकच में संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर भौरासा क्षेत्र के चार सेवा सहकारी समिति के सैकड़ों कर्मचारी अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार से हड़ताल पर बैठे हैं। संघ के देवास जिलाध्यक्ष जयवाल सिंह ठाकुर और संघ तहसील अध्यक्ष बहादुर सिंह भाटी ने बताया कि समिति में कार्य करने वाले प्रभारी, समिति प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, लेखापाल, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, विक्रेता, भृत्य, चौकीदार सभी कर्मचारियों के द्वारा अपने वेतन की वृद्धि के अलावा जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में समिति सहायकों से 60% पद पर हो रही भर्ती, पदोन्नति शीघ्र बिना किसी देरी शुरू करने के आदेश दिए जाए। वर्तमान में संस्थाएं शासन की जनहितेशी नीतियों के कारण घाटे में चली गई है, इसलिए वर्तमान हेतु फंड शासन उपलब्ध कराए। ठाकुर ने बताया कि समिति के समस्त कर्मचारी समस्त प्रकार का ऋण वितरण वसूली, खाद बीज वितरण, फसल बीमा और उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान्न वितरण कार्य किया जाता है। मध्य प्रदेश सहकारी संस्था कर्मचारी संयुक्त मोर्चा पेक्स संगठन के माध्यम से दिनांक 8/8/23 को शासन को हमने प्रदेश स्तर पर ज्ञापन सौंपा और दिनांक 11/8/23 को जिला स्तर पर ज्ञापन दिए गए। अगर दिनांक 15/8 तक बाद में होती है तो हमने 16/8 से अनिश्चितकालीन दिनांक 22/8 तक की हड़ताल का शासन को ज्ञापन पेश किया था। अब इसमें हमारी क्या है कि शासन के समक्ष वर्षों से लंबी मांगे हैं वेतनमान लागू हो। वेतनमान के अंतर्गत ग्रेड लागू होती है सभी कर्मचारियों की, सहायक प्रबंधक, लिपिक, सेल्समैन, भृत्य, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऐसे अलग अलग वर्ग बना रखे हैं। अब इसमें अगर वेतनमान लागू होता है तो सभी को अच्छा वेतन मिलता है। अभी हमारे कर्मचारी 5-5, 7-7, 8-8, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में समझौता कर रहे हैं, जबकि काम की अगर बात करो तो करोड़ों रुपए की कारोबार वाली संस्थाएं हैं। नकदी लेन देन जो होता है, सदस्य से नकदी पैसे आते हैं, बैंकों में ले जाकर जमा करते हैं, बहुत बड़ी रिस्क लेकर चलते हैं। इतने काम के बाद भी वेतन बहुत कम है, तो वर्षों से लंबित मांग वेतनमान लागू हो। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो खाद्यान्न वितरण करते हैं हमारे सेल्समैन भाई, उसमें क्या है कि अनाज एक बड़े मोटे आंकड़े में आता है और यहाँ से किलो किलो तोलते हैं तो उसमें साल्टेज जाता है, तो 2 किलो साल्टेज के हिसाब से उसको अनाज मिले। साथ ही जो कमीशन मिलता है उसको कमीशन में बढ़ोतरी, ये हमारी दो मुख्य मांगे। सोनकच तहसील से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट।